वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी में मंडे के लिए हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है फिर निफ्टी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को। तो निफ्टी में यहाँ पे अगर देख रहे हैं गाइस, तो ये 2 दिन से लगातार कंटिन्यू फॉल हो रहा है और इसका जो रीजन्स आ रहे हैं सामने वो अडानी पावर्स का आ रहा है। जो अडानी कंपनी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ है और उसके सारे स्टॉक्स से में बेरिश मोमेंटम हुआ है और उसी रीजन से यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी वो मोमेंटम यहाँ पे दिखा है गाइस। तो अगले दिन के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसको डेली कैंडल में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न यहाँ पे टॉप से यहाँ पे फॉल कर रहा है गाइस। और जो अभी तक इसने अपना लो लगाया हुआ है ये करीब यहाँ पे 17,000 450 500 के आसपास यहाँ तक इसने एक लो लगाया हुआ है 600 तक गाइस। तो इसमें हम लोग क्या पिछले प्रीवियस इसमें देखते हैं कि उसमें यहाँ इसने अपना जो सपोर्ट था वो कहाँ पर इसने क्रिएट किया है। तो इसका जो सपोर्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट कर ले रहे हैं पहले। और जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है गाइस वो है 16,800 का निफ्टी का। लेकिन अभी इतना बड़ा फॉल कर चुका है, ये 2 दिन से कंटिन्यू कर रहा है, तो अभी यहाँ पे हो सकता है पॉज ले सकता है। रीज़न ये हो सकता है गाइज, यहाँ पे अगर हम लोग पिछले चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने अपने आप को कंटिन्यू एक रेंज में रखा हुआ था। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये गाइज यहाँ से यहीं पर आया था और यहाँ फॉल किया है और उसने देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया गाइज। उसके बाद एक अच्छा अपसाइन मोमेंट दिया है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कल मंडे के दिन मार्केट अगर ओपन होता है और कहीं यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल में यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ से एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट हम लोग यहाँ पे 1:2 अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं एक यहाँ पे कॉल साइड के साइज में। और अगर कहीं मार्केट अगर नीचे और फॉल होता है तो फिर हम नीचे के लिए एक ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट मानेंगे गाइस, ये सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पिछली ईयर यहाँ पे देखेंगे तो यहीं से कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपने आप को सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया हुआ था। अब इसको हम लोग 15 मिनट कैंडल में पहले देख लेते हैं। तो 15 मिनट कैंडल में अगर यहाँ पे गाइस देख रहे हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कंटिन्यू यहाँ पे फॉल करते गया हुआ है और इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है अपने इस इम्पोर्टेंट लेवल पे जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस। मैं इसको एक ट्रेड लाइन यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, उससे क्लियर पता चल जाएगा गाइस। तो ये जो इसने सपोर्ट बनाया है 17,496 के आसपास यहाँ पे इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया और यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ पे इसने दिया है। और ये जो मूव दिया है इसने गाइस, ये करीब अगर हम यहाँ से चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो करीब 132 पॉइंट तक का यहाँ पे इसने मूव दिया है। तो ये लेवल कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होने के लिए या फिर ब्रेक डाउन गैप डाउन खोलने के लिए। और अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है गाइस और डाउन ट्रेंड में अगर ये कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क ऑन रिवॉर्ड रखते हुए। और अप ट्रेंड में अगर यहाँ पे कहीं ऊपर ऊपर के लेवल को यहाँ कहीं एक देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस तक के लिए हम लोग एक छोटा सा टारगेट रख सकते हैं। अगर कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो हम लोग देखेंगे
प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो एक पुल बैक का हम लोग वेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग अपना एक ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं गाइस। तो ये हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। बैंक निफ्टी में भी अगर देख रहे हैं तो 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे फॉल हो रहा है गाइस, और इसने जो अपना एक सपोर्ट क्रिएट किया है वो सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पे गाइस ये है जो 40,158। तो इस ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लिए गाइस मार्केट ओपनिंग होने के, और ये रहेगा इसका एक रेजिस्टेंस जो इसने यहाँ पे एक बार फेस किया और दूसरी बार जाके वापस यहाँ पे एक फेस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे और एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, और देखेंगे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आप ऊपर से बनाएंगे, और फ्लैट ओपन होके अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 1:2 का, यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रखते हुए गाइस। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, चलते हैं फिर, थैंक यू।